नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के चांदपुर में सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन। चांदपुर नगर पालिका प्रांगण में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और नगर पालिका द्वारा हटाए गए 6 ठेका कर्मचारियों को तत्काल नियुक्त कराने की मांग की है। आपको बता दें, चांदपुर नगर पालिका में 6 ठेका कर्मचारी को हटाने से नाराज होकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नगर पालिका में अनशन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि 6 माह के अंदर 10 कर्मचारियों को नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया और उनको काफी दिनों से मानदेय भी नहीं दिया गया, जिसको लेकर अब सभी सफाई कर्मचारियों ने आज से अनशन धरना शुरू कर दिया है और नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी है। जब तक सफाई कर्मियों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। बिजनौर संवाददाता शमीम अहमद की रिपोर्ट। क्या मामला है, आज धरना चल रहा है? मेरा नाम राजा राम मदान है। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ मैं, और ये जो धरना चल रहा है और नगर की सफाई व्यवस्था बंद है, ये सारी मजबूर होकर बंद है। यहाँ ठेका ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, तनख्वाह कम दे रहा है, उनका ईपीएफ जमा नहीं कर रहा है, चेयरमैन और 6 कर्मचारियों को बिल्कुल अकारण हटा दिया गया। क्या मांगे हैं आपकी? मैं बता तो रहा हूँ आपको, 6 कर्मचारियों को अकारण हटा दिया गया है और 10 ऐसे कर्मचारी जो कोरोना काल में सैनिटाइजर कर रहे थे, उनका वेतन 3-3 और 6-6 महीने का रोक रखा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आगे रहेगा? देखिए, सफाई व्यवस्था बंद कर दी है और इससे भी अगर कुछ अमल नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा।